माननीय अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी, मेरे साथ बोलिए भाई जेटीवी, अब तुम तुम्हारी कमेंट्री बंद कर दो, बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ जाओ भैया, अरे बैठ जाओ, ऐसा कहता हूं मैं, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ तो आगे आ जाओ। ओ फौजदार साहब, ओ फौजदार साहब, साइड में आ जाइए जरा, वहां पर भी सारे कार्यकर्ता बैठ जाए, या तो आगे आकर बैठ जाओ या तो वहां बैठ जाओ। अरे यार रिकॉर्डिंग सब साइट पर उपलब्ध है, क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो, बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ, यहां पर भी सेट करके टीवी वाले बैठ जाए, जरा नीचे बैठ जाओ भाई, नीचे बैठ जाइए आप, प्लीज बैठ जाइए आप भी। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई क्यों, मुजफ्फरनगर वालों की आवाज ऐसी होती है क्या? यहां से काशी तक आवाज जानी चाहिए, 300 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने का संकल्प झलकना चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष जी विजय कुमार शुक्ला जी, भाई सत्येंद्र सिसोदिया जी, यहां के लोकप्रिय नेता और मेरे मित्र केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश के सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इमारत को एक एक ईंट रखकर गढ़ने का काम किया है, ऐसे हमारे भूपेंद्र चौधरी जी, सदर के विधायक और भावी विधायक कपिल देव अग्रवाल जी, हमारे डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, बुढ़ाना के प्रत्याशी भाई उमेश मलिक जी, खतौली के प्रत्याशी श्रीमान विक्रम सैनी जी, पुरका जी के विधायक और प्रत्याशी प्रमोद उतवाल जी, चरथावल के प्रत्याशी श्रीमती स्वप्ना कश्यप जी, मीरापुर के प्रत्याशी श्री प्रशांत गुर्जर जी, हमारे पूर्व सांसद यहीं के नेता भाई सोहनवीर सिंह जी, श्रीमती अंजू अग्रवाल अध्यक्षा नगर पालिका परिषद, श्री सतपाल जी, और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को नमस्कार। भाई वो कोनों में जरा बोलना बंद कर दो आप जरा, या तो आप मंच पर आकर बोलो। मित्रों आज चलो हो गया हो गया हो गया, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, अरे आप भी बैठ जाओ। मित्रों आज ये सेट कर बैठ जाओ, टीवी वाले सेट कर नीचे बैठ जाइए आप, सारे लोग नीचे बैठ जाइए जरा प्लीज। बहुत समय के बाद मुजफ्फरनगर आया हूं, सबके चेहरे दिखाई पड़े जरा। मित्रों बहुत समय के बाद मुजफ्फरनगर की ये वीर भूमि पर मैं आया हूं, यहां आकर सबसे पहले महर्षि सुखदेव जी और राजा परीक्षित की ये भूमि को प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम में
टूडली गांव के क्रांतिकारियों ने जो इतिहास यहां पर रचा है उसको भी स्मरणांजलि देकर मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आजादी का बिगल फूंकने वाले आसाराम शर्मा जी को और यहां से ही पूरे देश के किसानों को किसान हित के लिए जागरूक करने वाले चौधरी चरण सिंह को भी मैं नमन कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, यही भूमि है जिन्होंने किसानों के लिए सदैव आवाज बुलंद की। श्री महेंद्र सिंह टिकैत को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं मुजफ्फरनगर आया हूं, तब 14, 17 और 19 तीनों चुनाव मेरे नजर के सामने से गुजरते हैं। मैं जब प्रभारी बना उत्तर प्रदेश का, शुरू में ही दंगे हो गए। मैं यहां आया था, मैंने दंगों की वेदना को जाना था, पहचाना था। आरोप करने वाले पीड़ित बन गए और पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया गया। खैर, मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आज भी दंगों की वो पीड़ा को भूला नहीं। फिर भी 14, 17 और 19 को जब भी यहां भारतीय जनता पार्टी आई, जब भी मैं आया, जब भी मोदी जी आए, आपने भाजपा की झोली को वोटों से भरकर यहां से हमारे प्रत्याशी को, यही मुजफ्फरनगर है जिसने 2017 में, 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड विजय की नींव डालने का काम किया था। यहीं से लहर उठती है जो काशी तक जाती है और हमारे विरोधियों का सुपड़ा साफ कर देती है। इस बार भी मुझे भरोसा है कि यहां से ही भारतीय जनता पार्टी के विजय की एक नींव डाली जाए। मित्रों, उत्तर प्रदेश में 12-13 में मैं जब घूमता था, ऐसे ही मंच पर कार्यकर्ता बैठे होते थे और कहते थे, अमित भाई आपकी सिक्योरिटी का क्या हाल है? यहां पर हर व्यक्ति को सिक्योरिटी की चिंता होती थी। जिस प्रकार से सपा बसपा बस यहां पर हर व्यक्ति को सिक्योरिटी की चिंता होती है, जिस प्रकार से सपा बसपा बसपा सपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था, गैंगे बन गई थी और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने वालों का पोल पाया, भू माफिया हो और अनेक प्रकार के माफियाओं ने यहां पर अपना कब्जा जमाया था। और आज जब मैं आया हूं, कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर चले गए। उत्तर प्रदेश को हमने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करेंगे, उत्तर प्रदेश को सुरक्षा देंगे, इसको सलामत बनाएंगे, माताओं बहनों का सम्मान होगा, इनकी कोई छेड़खानी नहीं कर पाए। जब हम वादा करते थे तो काफी सारे लोगों को लगता था इतनी विकट कानून और व्यवस्था की परिस्थिति कैसे सुधरेगी। मित्रों, मैं 2017 के बाद 2022 में आपके सामने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं, न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं को चुन चुन कर साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। पहले सपा बसपा ने यहां शासन किया तो बहन जी की पार्टी है वो आती थी तो एक जाति की बात करती थी, कांग्रेस पार्टी आती थी तो परिवार की बात करती थी और अखिलेश बाबू आते थे
तो गुंडा माफिया और तुष्टीकरण की बात करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के 5 साल हो गए, ना जाति की बात है, ना परिवार की बात है, ना गुंडे माफिया तुष्टीकरण की बात है, बात है तो सुरक्षा और विकास की बात है और कोई बात नहीं। और अखिलेश बाबू को मैं सुनता था, कल की कहकर गए यहां, उनको लाज भी नहीं आती, झूठ भी इतने जोर से बोलते हैं कि कोई सच बन जाए। उन्होंने कहा कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं। अखिलेश बाबू, आज सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं आंकड़े देने आया हूं, हिम्मत हो तो आपके समय के आंकड़े लेकर कल प्रेस वार्ता करिए। आपके शासन की अपेक्षा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 साल में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के 5 साल के बाद डकैती के अंदर 70% की कमी हुई है। और ये रिकॉर्ड है, लूट के अंदर 69% कर करीब करीब लूट के अंदर भी 70% की कमी हुई, हत्या के अंदर 30% की कमी हुई है, अपहरण के अंदर 35% की कमी हुई है और बलात्कार के अंदर भी 30% से ज्यादा कमी हुई है। अखिलेश बाबू, मैंने तो अपना हिसाब दे दिया, आपके शासन के आंकड़े और भारतीय जनता पार्टी के शासन के आंकड़े आप हाथ में लेकर एक प्रेस वार्ता करिए तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम पड़ेगा। मुझे मालूम है वो नहीं करे, क्योंकि उनके पास बताने को करे। मित्रों, ये वोट जो है ना, वोट लोकतंत्र में अपने मत का अधिकार और मत, अपना वोट बहुत बड़ी ताकत रखता है। मैं कबीर साहब का एक दोहा मैंने मथुरा में भी कहा था, यहां पर भी कहना चाहता हूं। कबीर साहब ने बहुत खूब कहा है, कभी लोहा एक है गढ़ने में फेर, ताकि का बुस्तर बने ताकि की शमशेर। उत्तर प्रदेश का वोट आपका एक ही है, वो माफिया राज भी ला सकता है और माफिया राज से मुक्ति भी दिला सकता है। अगर सपा बसपा के साथ गया वो तो फिर से जातिवाद की बात आएगी, फिर से माफियाओं का राज आएगा। अगर गया वोट भारतीय जनता पार्टी के पास तो मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर एक राज्य बनेगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश देश का नंबर एक। मित्रों, मुजफ्फरनगर के दंगे जिस प्रकार से वोट बैंक को ध्यान में रखकर दंगों में पुलिस ने कार्रवाई की, ऐसा पूरे देश में कहीं पर नहीं। जो पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया, जो आरोपी थे उनको पीड़ित और हजारों हजारों के फर्जी केस दर्ज करने का काम किया है। मैं तो संजीव बालियान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि फर्जी केस के सामने उन्होंने न्याय की बधाई दी। चाहे अदालत में लड़नी पड़ी हो, चाहे रोड पर लड़नी पड़ी हो, पर दंगों के समय भारतीय जनता पार्टी दंगों के पीड़ितों के साथ चट्टान की तरह खड़ी। मैं आज भी मुजफ्फरनगर की जनता को पूछने आया, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आया, यहां से लेकर सहारनपुर की जनता को पूछने आया कि आप भूले हैं क्या दंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं नहीं। तो फिर से अगर वोट देने में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाए। अगर कमल चुना तो दंगे नहीं होंगे। हमारे शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ, दंगा करने वाले जेल की सलाखों के पीछे। मित्रों, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है, इससे हमारी बात इस सही निकली है कि हमने यहां पर कानून का राज स्थापित किया है। मित्रों, अभी 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 अभी
कल अखिलेश जी और जैन जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो, मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बताओ भाई, बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अभी तो जेल में है, अभी तो जेल में है, फिर आप जयंत जी को उनके साथ नहीं देखोगे। अतीक अहमद आ जाएंगे, आजम खान आ जाएंगे। ये किस प्रकार से आप मतलब देश की जनता को अपने बाबू छलना चाहते हैं, क्या ये समझते नहीं है? मुझे मुजफ्फरनगर वाले टिकटों के बंटवारे से ही समझ हो गए हैं कि आगे क्या होने वाला है। भाई जोर से बोलो समझे हो ना, जोर से बोलो समझे हो या नहीं समझे हो? आपको यहाँ किसी को मुगालते में लेने की जरूरत नहीं है, सब लोग सब कुछ समझते हैं कि काउंटिंग के बाद अगर आपकी सरकार हुई तो क्या। मित्रों, ये भूमि हमेशा वीरों की भूमि है और विशेषकर जाट समाज हमारी सभी सुरक्षा बलों में और सेनाओं में घर घर कर हमारे समाज के लोग, यही धरती के लोग, यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोग थे। कहीं पर भी सीमा में चले जाओ यहां का लड़का आपको मिल जाएगा। मैं तो कई जगह बीएसएफ के कैंप में भी गया, सीआरपीएफ के कैंप में भी गया, कश्मीर गया तो सेना के कैंप में भी गया, सब जरूरी। तो ये वीरों की हमेशा यहां पर देश की सुरक्षा के लिए जान देने वाले लोगों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं। और भारतीय जनता पार्टी भी देश की सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखने वाली पार्टी। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, याद है ना सरकार? याद है या नहीं है, जोर से बोलो। वो सरकार अकेली नहीं थी, सपा और बसपा का समर्थन था उनको, सपा ने भी समर्थन दिया था, बसपा ने भी समर्थन दिया था। 10 साल देश में शासन किया इन्होंने, 10 साल तक देश की सरहदों को, सरहद के उस पार से पाक प्रेरित आतंकवादी आलिया मालिया चमालिया आते थे, देश में घुस जाते थे, हमारे जवानों का सर काटते थे और पैरों से पानी पीते। अरे दिल्ली के दरबार में जो नेतृत्व तो बैठा था, सपा बसपा कांग्रेस का नेतृत्व उनके माथे पर छू नहीं रहे, वोट बैंक की लालच में उफ नहीं करती, बदला लेने की तो बात छोड़ो। आपने कृपा कर दी, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद पाक प्रेरित आतंकवादियों को लगा कि ये सब अभी भी हम कर सकते हैं, ये सब हम अभी भी कर सकते। तो उन्होंने उरी में हमला किया, अपने जवानों को जिंदा जला दिया, पुलवामा में हमला किया, 40 जवान मारे गए। मगर पाकिस्तान मुगालते में था, उनको मालूम नहीं था यहां प्रधानमंत्री बदल गया है, पार्टी बदल गई है। अब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, और कांग्रेस सपा बसपा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादी का सपा। आप मुझे बताइए भाइयों, इस देश को ये सपा बसपा कांग्रेस सुरक्षित रख सकते हैं क्या? देश को बोले रख सकते हैं क्या? उत्तर प्रदेश को सपा बसपा कांग्रेस सुरक्षित रख सकती है क्या? केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही देश को सुरक्षित रख सकती है। मित्रों, और ये चले हैं कहने के लिए हम कानून का राज लाएंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र, हर समाज के
हमारे जो पूर्वज हैं उसका सम्मान करने में विश्वास करते। आज तक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर कुछ नहीं हुआ। हमने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय का निर्माण कराने का काम किया और मोदी जी स्वयं वहां गए। और ये जो कार्यांजलि दी है वो सिर्फ महेंद्र प्रताप सिंह को नहीं दी है। टांडा रमाला रोड का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा, छपरोली बरनावा रोड का नाम महेंद्र सिंह टिकेल के नाम पर रखा, विजयवाड़ा तक जाने वाली सड़क का नाम दादी चंद्रा तोमर के नाम पर रखा, हरियाणा में सर छोटू राम की प्रतिमा को हमने प्रस्तापित करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी अगर मूर्ति लगाएगी किसी की तो ज्यादा से ज्यादा राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इससे आगे नहीं जाते। उनको तो सरदार पटेल से भी दिक्कत है। ये तो मोदी जी थे जिन्होंने आसमान को छूने वाला सरदार का स्टैच्यू केवड़िया कॉलोनी में बनाया। मोदी जी ने सरदार पटेल को सम्मान देने का काम किया और मोदी जी है जिन्होंने ब्रिटेन में सुभाष बाबू के पुतले को लगाने का संकल्प इसके जरिए, जिन्होंने देश के लिए समाज के लिए योगदान किया। ये परिवार वाली पार्टियां इनका सम्मान नहीं कर सकती, अपने परिवार की इर्द गिर्द दूरी हो। कल बात करते थे किसान की, अखिलेश भाई आपका और सपा का 10 साल सरकार रहा, पुरानी छोड़ दीजिए, विशुद्ध सरकार 10 साल रही, किसानों के लिए आपने क्या किया जरा लेकर आइए, हम पूछना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर 2,53,58,000 किसानों को 37,800 करोड़ रुपया प्रति साल 6,000 के हिसाब से बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजने का काम किया है। तो हमने वादा किया था 2017 में कि किसानों का ऋण हम माफ करेंगे और 36,000 करोड़ का ऋण योगी जी ने एक सप्ताह के अंदर माफ करने का काम कर दिया। मित्रों, ये गन्ना का क्षेत्र है, लगभग 1,48,000 करोड़ का गन्ने का भुगतान ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले सालों तक, हमें मालूम है उत्तर प्रदेश में 42 चीनी मिले थी, 21 बंद करा दी। किसने कराई? ये बसपा सपा सपा बसपा ने कराई, ये बुआ भतीजा ने कराई। इसमें घोटाले हुए सीबीआई जांच भी इसकी चल रही है। हमारे समय में एक भी चीनी मिल बंद नहीं। किसानों का 1,48,000 करोड़ रुपया समय पे चुकाने का काम किया। कुछ जगह देरी हो जाती, मुझे कुछ किसान मिले थे, उन्होंने कहा कि अमित भाई कई बार देरी भी हो जाती है, मैं क्या करें, डंडा लेकर तो नहीं कर सकते, कितना जल्दी के हाथ जल्दी चुकाया मगर देरी होती। हमने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में हम घोषणा करने वाले हैं कि जो देरी होगी उसका सूद वो मिल से वसूला जाएगा। सूद समय किसानों को पैसा देने की बात है। कांग्रेस की सरकार थी, रॉ शुगर आयात करते थे, यहां पर चीनी के दाम गिर जाते थे, चीनी के दाम गिरते थे तो गन्ने की पेमेंट नहीं होती थी। हमने रॉ शुगर पर इम्पोर्ट ड्यूटी डालकर किसानों को प्रोटेक्ट करने का काम किया है और मित्रों परिणाम हुआ है 2021 की साल में 3,868,000 टन गन्ना, जो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है, और 427,000 टन चीनी, जो भी पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है वो हमारे उत्तर प्रदेश में। 54 डिस्टिलरियों के माध्यम से हमने यहां पर इथेनॉल बनाने का काम किया है और लगभग 261 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्तर प्रदेश में बनाया। हमने ढेर सारे किसानों के लिए और काम किए, सारी इरिगेशन की योजनाओं को पूरा करने
करने का काम किया। लगभग 4,72,000 किसानों को फसली लोन देने का काम किया। फसल बीमा का लगभग 2300 करोड़ चुकाने का काम किया है। और आज इसी का परिणाम है, मैं जो बोलता हूँ ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला, दूध, ये सब में उत्तर प्रदेश सपा बसपा के राज में 1 से 5 में भी नहीं आते थे। आज गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला और दूध में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1। अखिलेश भाई, ये हिसाब लेकर आना जरा मुजफ्फरनगर, फिर से आओगे मुझे तो मालूम है, आओगे नहीं आप, मेरी मीटिंग न होती तो आते भी नहीं आप। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश को कितना महत्व देते हो मुझे मालूम है, मगर फिर से आओ तो हिसाब किताब लेकर आना। मित्रों, ढेर सारे काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की भाजपा की योगी सरकार ने किए। यहाँ पर भी ढेर सारे हैं, खटोली विधानसभा में इंटर कॉलेज की स्वीकृति की है, 1100 करोड़ की रुपए की लागत से रिंग रोड बन रहा है, मुजफ्फरनगर में सुख तीर्थ का निर्माण हो रहा है, जौली बेड़ा सदर मार्ग को स्वीकृत किया है, सिसोना से मदीना चौक तक कावड़ मार्ग का निर्माण किया है, रामपुर तिहारा तक का मार्ग मुजफ्फरनगर से रामपुर तिहारा तक मार्ग स्वीकृत किया है, 105 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण क्षेत्र विद्युत आपूर्ति की बधाई में 220 केवी का बिजली घर बनाया जा रहा है, ढेर सारा काम किया है। मित्रों, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन का उत्पादन के लिए भी इकाइयां लगी जा रही है। और मित्रों, मैं एक बात कहता हूँ, मुजफ्फरनगर शहर और आसपास से आए, मुझे बताओ भैया, बिजली रानी पहले आपके घर में 24 घंटा रहती थी क्या? 7 साल में कहना रहती थी क्या? अखिलेश को ऐसा ना लगे कि संजीव बालियान से डर कर कह रहे हैं। 7 साल में बताओ बिजली रहती थी क्या? जोर से बोलो, रहती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शहर में 24 घंटा और गांव में मिनिमम 22 घंटा बिजली पहुंचाने का काम निभाया। इसको बता सकते, अरे क्या मुफ्त मुफ्त की बात करते हो अखिलेश, आप तो बिजली भी नहीं दे पाए, मुफ्त क्या दोगे? जो चालू है उसको 10 घंटे पर फिर से पहुंचा दोगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढेर सारे उत्तर प्रदेश में काम करे हैं, मैं बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता, हमारे कार्यकर्ता आपको बताएंगे, परंतु जब हम सरकार में आए उसके पहले उत्तर प्रदेश 7वीं अर्थव्यवस्था देश में होगा करता था। कौन से नंबर पर था? आज दूसरे नंबर पर है, 5वीं साल में 5। और चाली और एक बार फिर से बताना, फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, 1 नंबर बनाकर हम उसको प्रदेश का जीडीपी 10 लाख करोड़ था, उसको 21 लाख करोड़ तक 5 ही साल में पहुंचाए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें नंबर पर थे, दूसरे नाम पर पहुंचे हैं। पहले 12 मेडिकल कॉलेज थी, अब 40 मेडिकल कॉलेज है। पहले 1900 बच्चे डॉक्टर बन सकते थे, अब 4200 बच्चे डॉक्टर बन सकते थे, बन सकते हैं। चावल का उत्पादन 139 लाख मेट्रिक टन था, अब 163 लाख उत्पादन हुआ है। और अखिलेश बाबू, ये आंकड़ा खास सुन लेना, गेहूं और चावल की खरीदी आप 100 धान की खरीदी आप 123 लाख टन करते थे, योगी जी के समय में इसको 214 लाख टन करने का काम भारतीय जनता पार्टी। दलहन का उत्पादन भी बड़े हैं, आप 4 अड्डे हवाई अड्डे छोड़कर गए थे, हमने 8 बना दिए। और मुजफ्फरनगर वालों याद रखना, जेवर का हवाई अड्डा बनेगा ना, उस दिन ही आपकी भूमि की कीमतों में 50% की बढ़ोतरी होने वाली है। इतना मत बोलिए, जेवर का हवाई अड्डा बनने तक ये मेरठ का एक्सप्रेसवे सिर्फ मेरठ को फायदा नहीं करेगा, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को करेगा मित्रों। और ढेर सारे गरीब कल्याण के काम करे हैं, हर घर में शौचालय पहुंचा है, हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है, कई लाख लोगों को
20 लाख से ज्यादा लोगों को घर दिया है, हर घर में 5 लाख, गरीब के घर में 5 लाख तक का आयुष्मान भारत योजना का कार्ड भेजा है, हर घर के अंदर बिजली का कनेक्शन और एक लट्टू पहुंचा है, ढेर सारे गरीब कल्याण के काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। और मुझे बताओ भैया, अगर देश में मोदी जी न होते तो हम सब टीका लेकर स्वस्थ होते क्या? होते क्या? सबको टीका लगाए ना इस वर्ष में? हाथ ऊपर करो तो लगाए ना। ये अखिलेश बाबू कहते थे ये भाजपा का टीका है, लीजिए मत। उन्होंने नहीं लिया, फिर डर कर उन्होंने भी लगा दिया। मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूँ, आपकी कोई ऐसी आबरू नहीं है कि यूपी की जनता आपकी बात माने, मगर मान रही होती तो तीसरी लहर में क्या होता भैया? क्या होता? समाया होता या नहीं होता? तो मित्रों, इनको जनता की चिंता नहीं है, भाजपा का विरोध करना उनका काम है, मगर मोदी जी ऐसे विरोध से डरते नहीं है। डंके की चोट पर 130 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम करा, और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को हर व्यक्ति 5 किलो अनाज 2 साल तक देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो आज मैं यहां पर आपके सामने बड़ी विनम्रता से हमारे कामों को बताकर वोट मांगा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि मतदान जरूर करेंगे। क्या ऐसा मत मानना कि भारतीय जनता पार्टी जीतने ही वाली है, हम वोट नहीं देंगे तो क्या होगा? जीतने तो वाली ही है, मगर हमें तो आपके वोट से जीतना है। तो वोट करने सुबह पहुंच जाएंगे, आप जाओ ना जाओ, दूसरी ओर तो लाइन लगने वाली है। लगने वाली है नहीं लगने वाली है? तो अपनी भी लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी? सभी भाजपा समर्थक लाइन लगाकर सुबह 7 बजे वोट डालने पहुंच जाए, और भारत माता की तस्वीर दिमाग में रखकर